नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नवनीत त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। आज भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत हम आपको लेकर आए हैं पेंगा विलेज के अंदर। पेंगा विलेज जो कि बहुत ही अच्छी डेवलप्ड कंडीशन का विलेज है, जो भारत के अच्छे विलेजेस में आता है। यहाँ के लोकेशन स्टेट्स में आपको एक बार बता देता हूँ, भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट और मोदीनगर तहसील के अंदर ये पेंगा विलेज आता है। यहाँ की बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ के जो एमएलए हैं जिनके अंतर्गत ये पेंगा विलेज आता है, वो मंजू शिवाज हैं, डॉक्टर मंजू शिवाज, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सतपाल सिंह जी हैं। इसके अलावा जो ग्राम प्रधान हैं, श्रीमती करिश्मा पवार, वाइफ ऑफ श्री उपदेश पवार, यहाँ अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये मौजूदा एंट्री प्वाइंट है पेंगा विलेज का। मेरे राइट हैंड साइड पे जो आप ये रोड देख रहे हैं, मेन हाईवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है विलेज। ये मेन हाईवे है, अपर गंगा कैनाल मेन हाईवे, जो कि आगे शामली की तरफ निकलता है, नानू शामली। आप बहुत सारे विलेजेस को कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, निवाड़ी, नानू, शामली, आगे और भी बहुत सारे विलेजेस हैं। इधर अगर मैं बात करता हूँ तो ये मुरादनगर की तरफ जाती है, मुरादनगर कनेक्ट होती है मेन हाईवे NH 34 से। तो पेंगे के मैं लोकेशन पॉइंट पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ का जो मेन रेलवे स्टेशन है, मोदीनगर रेलवे स्टेशन, यहाँ से करीब 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा निवाड़ी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। निवाड़ी टाउन जो है केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मेन एंट्री पॉइंट है यहाँ से। बाकी गांव की जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है। गांव करीब 300 से 400 साल पुराना विलेज है। आगे जो गांव की सुख सुविधाएं हैं या फिर गांव के अंदर जो एमेनिटीज हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। यहाँ की जो पॉपुलेशन स्टेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की जो जनसांख्यिकी है करीब 1800 से 1900 की यहाँ की पॉपुलेशन बताई जाती है। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 1400 से 1500 का वोटिंग परसेंटेज है यहाँ पे। गांव का लिटरेसी लेवल भी बता देता हूँ, यहाँ का लिटरेसी लेवल करीब 75% लिटरेसी लेवल है। गांव के बहुत ज्यादा लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं और इवन जॉब वर्क करते हैं। कृषि से अलग भी यहाँ का जो व्यवसाय है, जो लोगों की रुझान है, वो जॉब की तरफ है, बाकी बिजनेस की तरफ भी है। इसके अलावा हम बाकी एमिनिटीज और सुख सुविधाएं गाँव के अंदर की क्या फैसिलिटीज है, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, वो आपको दिखा देते हैं, वीडियो में बने रहिए। अभी यहाँ से पेंगा विलेज के अंदर हमने एंटर किया है। ये देखिए यहाँ बैठने की सुविधाएं भी हैं। इधर आप देख रहे हैं ये मेन हाईवे से कनेक्टेड ये गांव, ये आप देख रहे हैं पेंगा विलेज में हमने एंटर किया है। यहाँ की रोड्स आप देख रहे हैं, पक्की रोड, सीमेंटेड रोड्स हैं। ग्राम पंचायत पेंगा आप देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ग्राम प्रधान श्रीमती करिश्मा, ग्राम प्रधान वाइफ ऑफ श्री उपदेश प्रधान जी, ग्राम पंचायत पेंगा। हैंडपम्प्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल एंट्री पर भी लगा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आप देख रहे हैं, सभी केवल नुमा तार हैं यहाँ पे, नॉर्मल कोई भी तार नहीं है। ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लगा सकते हैं अंदाजा गांव की स्थिति बिजली के लिए बहुत ही अच्छी है। स्ट्रीट लाइट्स हर पोल पे आपको मिल रहे हैं। व्यवस्थाओं के मामले में अमूमन जो गांव होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो पेंगा भी हमारे अच्छे गांवों की लिस्ट में आता है। ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है पेंगे का, हनुमान जी। गांव की दीवारों पर अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको मिलता है। जाट कम्युनिटी गांव में रहती है, तो जाटों का गांव बताया जाता है ये गांव जो है, यहाँ पे जो कम्युनिटी है हिंदू जाट कम्युनिटी। गांव के लिविंग स्टैंडर्ड से आप जान सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं काफी विकसित गांव है। ये देखिए फिर से हैंडपंप, गांव में जो क्रॉसिंग नालियां हैं वो भी कवर्ड हैं। अभी हम गांव की चौपाल पर हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं चौपाल पे आपको सामने दिख रहा होगा निवाड़ी और मोदीनगर के लिए यहाँ पर साइन लगा हुआ है, इधर ये रास्ता जाता है। ये देखिए बैठने के लिए और हैंडपंप्स और यहाँ पे चौपाल पे सारी सुविधाएं।
ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ते देखिए कितने कितने वाइड रास्ते हैं, रोड्स बहुत बड़ी हैं, नालियां सभी पक्की हैं और सभी इंटरलॉकिंग से लेस है। ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ये सभी ये देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे योजनाएं जो अभी क्रियान्वित हैं, विधवा महिला पेंशन, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका पूरा एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है। वीडियो को आप पॉज करके इसको इजीली आराम से पढ़ सकते हैं। तो दीवारों पे अच्छा एडवर्टीजमेंट किया गया है, यहाँ पे दीवारों पे बहुत ही अच्छा विज्ञापन किया गया ताकि लोगों को पता रहे। ये देखिए मंदिर भी यहाँ पर, देखिए मंदिर के बाहर बैठने की सुविधा, बहुत ही पुराना मंदिर है गांव के, ये बिल्कुल चौपाल पे है, ये टी पॉइंट गांव का कहा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं इधर से सोंदा विलेज के लिए रास्ता जाता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया पेंगा विलेज के इंटरनल व्यवस्थाओं को, इसके साथ साथ जो पेंगा विलेज के आउटर में स्थित ये एक बहुत ही खूबसूरत धार्मिक कुटी है जहां पर हम अभी आपको लेकर आए हैं। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है कुटी का, ये आप देख रहे हैं, ये एक छोटा मिनी इसको कैनाल बोल सकते हैं जो कि अपर गंगा कैनाल से निकलती है, कुटी के साइड से बिल्कुल सामने फ्रंट से निकलती है। ये कुटी का बाहर से आउटर व्यू आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण है। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी पुराने वृक्ष है, यहाँ से हम कुटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोलर पैनल कुटी के अंदर व्यवस्था है ग्राम प्रधान के द्वारा, आप ये देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था यहाँ पर है, यहाँ पे ऑलरेडी दो दो फोकस लाइट लगी हुई है। ये ग्राम प्रधान के लिए भक्तों की कृपा है सब। ये बाबा रतिनाथ जी की समाधि के समय पर इस कुटी की स्थापना हुई थी, करीब 150 साल से भी पुराना बताया जाता है इसका इतिहास। ये यहाँ का हवन कुंड है, आप ये देख रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण स्थल है। यहाँ पर नल की व्यवस्था है, यहाँ पर टुल्लू पंप लगा हुआ है। ये जो वृक्ष है आप सामने देख रहे हैं, ये एक जो जामुन वृक्ष फल होता है, जामुन का वृक्ष है जो कि अमूमन इतना बड़ा तना इसका नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही पुराना, इसकी भी मान्यता इसी से जुड़ी हुई है, करीब 150 से 200 साल पुराना ये वृक्ष बताया जाता है। इसके तने की मोटाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसको अमर वृक्ष भी कहा जा सकता है, जो कि यहाँ के महंत है उनसे हमें पता चला है। सामने बाबा जी की आप ये समाधि देख रहे हैं, बाबा रतिनाथ जी का सामने आप फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है। ये समाधि स्थल है बाबा रतिनाथ जी का, उनके बाद ये नेपाली बाबा जी आए हैं जो फोटो है। ये यहाँ के बाबा जी हैं, विजयगिरी बाबा, विजयगिरी जी महाराज जी, ये इस टाइम के बाबा जी हैं जी, ये समाधि स्थल बाबा जी, समाधि स्थल है। और ये जो है ये मोनी बाबा, ये पहले यहाँ रह चुके हैं, ये मोनी बाबा जी आप देख रहे हैं, पूज्य श्री श्री 1008 मोनी बाबा जी, ये पहले यहाँ रहे थे जी। और ये पहला धोना है समाज, वो जो है ये इस धार्मिक कुटी का धोना है, हाँ ये धोना पहला था, आप देख रहे हैं ये धोना। ये पहला धोना अभी पुराना, पहला बहुत ही प्राचीन धोना है ये जो बना हुआ है, अभी अंदर इनके सब लोग फोटो खींचे हो, सब जी आ जाऊंगा, इनके नाम पते हम नीचे लिखेंगे, क्यों जी इनके सबके नाम पते सब नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। हमारे गुरु जी वहां उनके इनके फोटो लो, आप भी बैठो गुरु जी, हाँ चिरम के बाद बनाओ आ जाओ, चिरम की कुछ कमियां आप दरबार में गुरु जी का फोटो खींचो। अभी जो यहाँ के मौजूदा महंत हैं धार्मिक कुटी के, उनसे हम आपका इंटरव्यू करा रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं। बाबूजी प्रणाम।
बाबूजी हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताकर कृतज्ञ करें, साथ ही साथ इस कुटी की क्या इतिहास है, इसका क्या चमत्कार है, क्या इससे आस्थाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, गांव के लिए जो बाबा रतिनाथ जी हैं उनका क्या आशीर्वाद, वो सारा कुछ हमारे दर्शकों को डिटेल में एक बार बताएंगे। देखो बोला आ रहा हूँ, अब आपको हम लोग क्या बताएंगे, हम तो आपके सामने देख ही रहे हैं, वर्तमान में तो हम ही संत हैं लेकिन हमसे ज्यादा तो भक्त लोग भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अपने जानते हैं तो ये एक सिद्धों की कुटी कही जाती है। सिद्धों की कुटी मतलब होती है बोला बाबा, जैसे संतों का तपस्थली, संतों की तपस्थली, तप इसे जहाँ पे संत बैठ के अपनी तपस्या करते हैं, चाहे वो समाज के लिए, चाहे गांव के लिए, चाहे पूरे नगर के लिए, चाहे राज्य के लिए, जैसा उनके पे जितनी सामर्थ होती है वो उस तरह से वहाँ पे बैठ के अपना समाधि तप करते हैं। तो उस नाम से इसको दिया गया सिद्ध कुटी, का वो सिद्ध पुरुष थे जी। वो सिद्ध पुरुष ये थे कि वो जिस शब्द को कह दिया करते थे वो शब्द होते थे जी, इतना प्रभाव उनका। पहले यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं तो वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि कभी यहाँ पे शुरू में तंबाकू की खेती हुआ करती थी जी, काहे की तंबाकू की, जिसको यहाँ कोई गाय माता आई थी वो गई या वो उसको खाई नहीं, इस बात पे अगले संत को बहुत क्रोध आया जी, ये ऐसा चीज क्यों बो रहे जिसे हमारी गौ माता नहीं छूती है जी, या जी। उसके बाद उन्होंने एक शब्द में इस क्षेत्र में पूरा तंबाकू बंद करवा कर हर चीज की खेती करवाई जी, क्या जी। उसके बाद इन्होंने तंबाकू बंद करके सारे चीज की गेहूं की फसल की सब्जी की जो भी आई अभी तक गन्ने की क्या करते आ रहे, लेकिन तंबाकू और मिर्ची की दो की खेती यहाँ अभी तक ये सिद्ध पुरुष के कहने पे इन्होंने मानी। एक अगला सिद्ध पुरुष ने कहा आशीर्वाद ये रहा कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे चाहे जितने भी पत्थर पड़ते हैं, बर्फ पड़ते हैं, क्या ओले पड़ जाएंगे, ओलावृष्टि, हाँ ओला जितनी भी पड़ जाएंगे यहाँ के आसपास की किसी फसल को नुकसान नहीं होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है दर्शकों, किसी भी फसल को ओलावृष्टि का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, इतना बड़ा महिमा है सिद्ध पुरुष जी की जो हमारे बाबा रतिनाथ जी हैं। और दूसरे शब्द दे के गए जी, जैसे यहाँ पे कई जहरीले सर्प भी हैं जी, गुप्त में अच्छे अच्छे हैं जी, तो ये उनका भी आशीर्वाद था कि इतने क्षेत्र के जितने अपने गाँव के क्षेत्र हैं, इतने कुटुम्ब के जितने भी हैं गांव के, इनमें के अगर वो सर्प किसी को काट भी लेते हैं तो उनको कोई विष का असर नहीं होगा, क्या हाँ ये अभी तक वो आशीर्वाद अभी तक है। ये देखिए बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है, इतनी महिमा थी उनकी कि जितने भी जहरीले सर्प हैं आसपास किसी का भी कोई विष का कोई असर यहाँ के खेड़े के लोगों पर नहीं होता, इस गाँव के जल्दी असर नहीं होगा, ये अभी तक ये चल रही है सिद्ध के रूप में साक्षात जी। एक उसके बाद इन ये हम सिद्ध पुरुष की समाधि के बाद, रतिनाथ महाराज जी के समाधि के बाद जितने भी यहाँ मूर्तियां गुजरी उनके बाद जितने और भी संत आए वो सारे संत एक ना एक कर्म के सिद्ध थे जी। या जैसे हम क्या बताएंगे, इस गांव के ही लोग आपको कुछ बुजुर्ग लोग पहले ही बता देंगे, हमसे ज्यादा बताएंगे, जैसे कुछ उनके बाद प्यारे बाबा जी आए उनमें भी अजीब सिद्धियां थी जी, या चाहे उनके आहार में सिद्धियां हो, चाहे उनके तप में सिद्धियां थी, कर्म में सिद्धियां थी, कहते थे पानी पे ऐसे सीधे लेट जाया करते थे वो, क्या कोई भी शब्द को जिस शब्द को वो कह दिया करते थे वो निश्चित होती थी उनके पास। उनके बाद एक हमारे नेपाली बाबा जी आए, क्या नेपाली बाबा जी ज्यादा उनसे भी सिद्ध हुए, उनके भी ऐसे ऐसे कर्म थे जिस शब्द को वो कह दिया करते थे वो सिद्ध होती थी, चाहे कोई भी शब्द वो कह दिया करे, कोई भी चीज आपके आशीर्वाद का हो, आपके जो भी हो, क्या आत्मा से वो कह दिया करते थे तो सिद्ध होती थी। तो कैंगा गांव खेड़े पे संतों की कृपा लगातार बनी हुई बनी है, और इसी कुटी पे सिर्फ संत ही यही आते हैं, आप आसपास की भी स्थान बहुत है जी। आपको ऐसे ऐसे स्थान यहाँ देखने को मिलेंगे जिनमें संगमरमरे लगी हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको एक भी जगह संत नहीं मिलेंगे। मैं निवाड़ी क्षेत्र में बहुत मंदिर है, आप घूम के आना जी जी, आपको एक भी जगह शुद्ध मूर्तियां नहीं मिलेंगी, और इस कुटी पे आप 12 महीना 2-4 संत जागृत पाओगे जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ दो संत इस कुटी पे 12 महीना आप देख सकते हो महाराज जी। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी। टिड्डियों का कुछ बताया जाता है यहाँ पे, टिड्डियों का भी जी, क्या इस क्षेत्र में टिड्डियों का भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, बोलिए जी। फसल पे जो टिड्डियां लगती हैं उसका भी कोई नुकसान नहीं, इतनी बड़ी कृपा महिमा यहाँ पर रहती है, यहाँ टिड्डियां नहीं आती, उनको भी रतिनाथ बाबा जी का ही ऐसा शराब था आशीर्वाद दिया गया था इस क्षेत्र में वो टिड्डियां नहीं आ सकती और ना ही नुकसान भी नहीं कर सकती जी। महंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कृपा का दान दिया हमारे दर्शकों को, बहुत शुक्रिया।
जय ओम नमो हरे हरे महादेव। दोस्तों जैसा कि अभी हमारे साथ ग्राम प्रधान जो पैगा विलेज के हैं वहां पर हम बने हुए, उनके निवास स्थान पर हम बने हुए, तो पैगा विलेज के ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं, वो आपको अपना परिचय देंगे, साथ ही साथ गांव की व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताएंगे और उनका विजन और उनका इनोवेटिव आइडियाज क्या है उसके बारे में कुछ अंदाजा आपको देंगे। आपका नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम उपदेश कुमार जी। उपदेश कुमार, हमने अपने गाँव में नालियां रास्ते काफी अच्छा सुधार किया है जी। एक हमने जो हमारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम, बाथरूम बाथरूम काफी हमने किया जी। हमने 50 साल का कम से कम रिकॉर्ड तोड़ दिया। 50 साल का रिकॉर्ड जो आपने हमारे गांव जब पता कर इतना काम किया, जो काम जब कभी हमारे मोहल्ले वाले बसे थे जी, अब से कम 900 पहले जब मोहल्ले वाले बसे थे उनका रास्ता किसी को बना था जी, वो हमने जंगल में रास्ता बनाया। हमारे बाबा रतिनाथ बाबा जी जो हमारे गांव में आशीर्वाद दिए कि हमारे साथ बैठने से कोई इंसान आज तक मरा नहीं जी। खेड़े में एक मिनट हमारी ये नालिया जो काम किसी ने कोई नहीं कर पाया वो हमने अपनी योजना में किया है। सरकार ने हमारी इस वजह बहुत मदद करी है, भारत सरकार ने बहुत काफी सुविधा दी है, ऐसा गाँव में लैट्रिन स्वच्छ सफाई के लिए तालाब साफ करवाए हैं, तालाब वाला काफी गंदगी हो रही थी काफी जी। तो सफाई अभियान के अंतर्गत आपने सभी सफाई के रिगार्डिंग जितनी भी व्यवस्थाएं उनको आपने कराया, बिल्कुल जैसे कि हमने देखा भी है पूरे गांव के अंदर सफाई। ये हमारे जो गौ माता है जो हमारे लिए गौशाला चलने की वो है, क्योंकि जो किसानों को बहुत काफी नुकसान होता है। अच्छा, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक गौशाला बने और उसके जो किसान, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय है जी। मैं अब से 10 साल पहले भारतीय गौरव सेवा प्रदेश रह चुका हूँ, गौ माता में काफी दिन से सेवा जी। भारतीय गौरक्षक प्रदेश अध्यक्ष, देखिए भारतीय गौरक्षक प्रदेश अध्यक्ष ये रह चुके हैं जो कि बहुत बड़ी बात है, और अभी मौजूदा प्रधान भी हैं। इनकी सोच बहुत इनोवेटिव, गायों को लेकर जो जानवर होते हैं जिनसे किसानों को भी नुकसान होता है उनके लिए काफी इनोवेटिव सोच, साथ ही साथ एक और इनोवेटिव इनकी सोच है, ये लघु उद्योग गाँव में लोगों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि गांव के जो छोटे तबके के लोग होते हैं या फिर जो गरीब लोग हैं वो बाहर जाना पड़ता है उनको काम के लिए, जिसकी वजह से उनका खर्चा भी काफी होता है और इस हिसाब की कमाई नहीं हो पाती, तो वो घर के अंदर ही अपने ही एरिया में लघु उद्योग बना करके उनके लिए कमाई के जरिए बनाना चाहते हैं, एक बड़ी सोच है। इसी के साथ कुछ और गाँव के लिए आप सोच रहे हैं इस वक्त कुछ और योजनाएं बनाने? योजना है हमारे गाँव में एक रास्ता है जो गाँव में चलने के लिए काफी हुआ है, तालाब के बाहर 25-30 गाँव में ऐसे हैं जो तो बड़े रास्ते दिए हैं ना उसको पूरा करने के लिए ऐसा रास्ते बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच इन्होंने अभी जो जितना कुछ बताया, बहुत पॉजिटिव सोच है ग्राम प्रधान जी की, तो हम इनसे काफी प्रभावित हैं इस चीज को लेकर, और इन्होंने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ गांव के स्थानीय बंधु और अभी यहाँ पर बने हुए हैं जो कि आपको गांव की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी और अपनी कुछ संतुष्टि, कितनी संतुष्टि हल्की अपने कुछ अनुभव बताना चाहते हैं, तो सर आपका प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा जी बताइए शर्मा जी। हाँ जी पूछो आपके क्या विचार है गाँव के प्रति? गाँव के प्रति हमारे गाँव में जो अब की योजना में प्रधान दिए वो सबसे पहले हमारा सौभाग्य रहा, पूरे जिले के अंदर अब गांव ने लग के इन्हें निर्विरोध, जो हमने चुनाव नहीं किया, देखिए बड़ी बात निर्विरोध इनको प्रधान बनाया गया, सबसे बड़ी बात ये पूरे जिले में हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। है जी, अब हमने निर्विरोध प्रधान बनाया, पूरे गांव के बुजुर्गों ने, बच्चों ने, नवयुवकों ने, माताओं और बहनों ने
सबसे ज्यादा सहयोग जो रहा हमारी माता और बहनों का रहा, गांव में महिलाओं का रहा, सही है ना। सबने कही उपदेश प्रधान जी होने चाहिए, हमारा जब ही गांव में कुछ विकास होगा जी। है जी। और उसके बाद हमारे गांव में जो काम हुए जी। हमारे गांव में जो काम हुए वे ऐतिहासिक हुए। ऐतिहासिक ये हुए। अब हमारे गांव में लगभग जो हमारे जनप्रतिनिधि थे अब तक के, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है जी। जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक बागपत लोकसभा के माननीय सतपाल सिंह थे उन्होंने हमारे लिए प्रधान जी के संयोजक में मतलब ये 103 मीटर खड़ंजा एक दिया, 150 मीटर एक दिया, 50 मीटर एक दिया, 8 लाइटें प्रधान जी को जो सौर ऊर्जा से चलने वाली है गांव में बड़ी अच्छी चल रही है जी। और रात के टाइम हमारे गांव में आप कहीं भी किसी भी गली में चले जाए लाइट में जगमगाट रहता है, बड़ी अच्छी स्वच्छता। और स्वच्छता के लिए और सफाई के लिए हमारे मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उस पर बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया। एक तो सरकारी आदमी था ही जो गवर्नमेंट दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारी, दूसरा एक अपनी तरफ से आज भी वो व्यक्ति लगा हुआ है 1% उसे भाई काम ज्यादा हो जाता तो वो लगा रखता भाई। किसी के यहाँ ब्याह हो शादी हो प्रधान जी के यहाँ आके बताता भाई मेरे यहाँ शादी है, तुरंत दोनों आदमियों को भेज देते हैं। ये देखिए एक बड़ी बात है, शादी समारोह के लिए प्रधान जी की बहुत ही अच्छी पहल है ये, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग है लोगों के लिए, लोग बहुत संतुष्ट हैं और इनको एकजुट होकर के निर्विरोध इनको प्रधान बनाया गया है। पॉजिटिव रेस्पॉन्स है गांव के लोगों का, अनुभव भी आपने अभी सुना, तो बहुत ही बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ का एक काम हो रहा है, जब हमारा गांव बसा था ये लगभग 700-800 वर्ष पहले बसा है जी, मुगलों के शासन से पहले है जी। हमारे जो यहाँ गांव के जिन्होंने संघर्ष करके बेगोबाद तक गांव को बसाया, जिन्हें कहते हैं हमारे सेवाराम किशन सिंह दो बुजुर्ग थे वे आए थे यहाँ गाड़ी लेकर है जी, उन्होंने गांव बसाया और बेगोबाद तक की मदद की वे बसाए है जी। और उनका रास्ता किसी ने 60-70 साल में आजाद हिंदुस्तान में नहीं बनाया है जी। उनके लिए जाने के लिए जो हमारी माता बहन जोत जलाने जाती हैं पूजा करने जाती है वे डोलो पे और खेतों में वो गुजरती थी। सबसे पहले प्रधान जी ने 2015 दिसंबर में प्रधान बनते ही पैसा मिला ना मिला सबसे पहले और खेत वाले से हाथ जोड़कर रास्ता लिया, जगह दे देखो 3 मीटर जगह देनी और कम से कम 300 गज देनी, 300 बहुत उस आदमी ने योगदान किया। उसे कैसे योगदान किया ये जाने इस बात, उससे हाथ जोड़े पैर पकड़े उसने है जी, पुनः रास्ता दे दिया। आज हमारी माता बहन बड़े उससे ना कपड़े सनते हैं ना कुछ होता है, वे बड़े आराम से वहाँ उस स्थान पे माथा टेकने जाती हैं और अत्यंत ये कहती हैं प्रधान जी आपने बहुत अच्छा काम किया और आपके जिस आप स्थान पे बैठे हुए हो मान्यवर, इस स्थान पे एक बाबा रतिनाथ आए थे हैं जी, उन्होंने हमें एक वरदान दे दिए हमारे बुजुर्गों को, सही है ना। क्या देगी अब इस गांव में सांप का काटेगा ओड़ों से नुकसान नहीं होगा है जी। और टीडी दल जो आज दुनिया में बज रहा टीडी और टीडी दल भी दाएं बाएं को निकल जाएगा, हमारे बुजुर्ग भी और हमारी भी इतनी उम्र होगी, आज तक हमारे गांव में कोई टीडी दल ओड़ों से नुकसान है जी और किसी का सांप का काट खाया किसी ने तो वो भी नहीं मरा है जी। ये आपकी कृपा से आप महानुभव आए हमारे यहाँ, आपका स्वागत है मैं जी। और गांव में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है किसी गरीब गुरबा को, यदि ऐसा भी हो जाता है गांव में हर एक तरह का व्यक्ति रहता प्रधान जी को पता लगा किसका बीमारी है भैया दवाई ववाई की जरूरत है ले पैसे मेरी गाड़ी में बैठ तो मैं दिखा कर लाऊंगा। देखिए बहुत बड़ी बात की जो प्रधान जी है वो लोगों की बीमारी में भी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं हर वक्त, तो एक बड़ी बात है। और बाकी स्थानीय लोगों के यहाँ पे एक्सपीरियंसेस इन्होंने शेयर किए हैं आपके साथ, इसके अलावा और भी जो जानकारियां हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी हम गांव के बाहर की सीमा, पेंगा विलेज के गांव के बाहर आए हैं, उस सीमा में ये आपको बहुत ही अच्छा ये बड़ा बड़ का वृक्ष यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हैंडपंप है, यहाँ पे बैठने की सुविधाएं हैं,
इसके अलावा सामने आप देख रहे हैं, ये अभी इसमें पानी नहीं है, ये तालाब है, एक बड़ा तालाब। इसके चारों तरफ यहाँ बच्चों के लिए, जो हमारे युवा पीढ़ी होते हैं, उनके लिए एक ट्रैक बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है ये, आप देख रहे होंगे, इसका पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। इस तालाब के चारों तरफ ये ट्रैक आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कच्ची मिट्टी से बनाया गया, बहुत ही खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया ट्रैक है, जिसमें बच्चे रेस लगाते हैं। यहाँ पे रेस की प्रतियोगिताएं भी होती हैं पेंगा विलेज की। इसके अलावा जो पुलिस या दूसरी मिलिट्री फोर्सेस के लिए, बाकी फोर्सेस के लिए तैयारी की जाती है, बच्चों को फिजिकल तैयार करना होता है, तो उसको भी यहाँ पे वो इजिली तैयार कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया पेंगा विलेज के अंदर की पूरी व्यवस्थाएं, यहाँ के कुटी के विषय में हमने दिखाया, यहाँ के अंदर की जितनी भी गांव के अंदर की सुख सुविधाएं उनसे आपको अवगत कराया। इसी के साथ हम यहाँ के एग्जिट पॉइंट पर आ चुके हैं और यहीं से हम आपसे विदा लेंगे। पेंगा विलेज की यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।